हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ईशान खट्टर और जानवी कपूर की फिल्म धड़क के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया। वेल फ्रेंड्स, कल ये फिल्म रिलीज हुई, यंगस्टर्स लोगों ने इस फिल्म को बहुत सराहा। इसके क्लाइमैक्स ने तो इतने लोगों को इतना निराश करके थिएटर से बाहर निकाला। कुछ लोग इतने शॉक में थे, कुछ लोग रो रहे थे थिएटर में, क्योंकि गाइस द क्लाइमैक्स ऑफ धड़क इज एन एब्सोल्यूट डिलाइट। अगर आपने मेरे रिव्यूज नहीं देखे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप जाके मेरे दोनों रिव्यूज देख सकते हैं, एक स्पॉइलर रिव्यू और एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू। मैंने पूरी फिल्म एक्सप्लेन की है। दिस फिल्म इज अ मैजिकल जर्नी एंड गाइस, न्यू कमर्स, फ्रेश न्यू कमर्स, आई मीन बियॉन्ड द क्लाउड्स, भले ईशान खट्टर की पहली फिल्म थी लेकिन वो एक यू नो कमर्शियल फिल्म नहीं थी। उसको हार्डली 1 करोड़ रुपया कलेक्शन मिला बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन गाइज यहाँ पर उसे नेशनल एक्सपोजर पहली बार मिल रहा है। जानवी कपूर, डिस्पाइट बीइंग अ स्टार किड, गाइज बहुत लोगों का ये कहना है कि यू नो नेपोटिज्म के वजह से इस फिल्म को यू नो इन दोनों को फिल्म में लिया गया। गाइज नेपोटिज्म एक हद तक काम आता है। आई मीन स्क्रीन पे क्या करण जोहर आके एक्टिंग किया इन दोनों के बदले? नहीं ना, द बोथ द किड्स हैव परफॉर्म्ड वंडरफुली इन द मूवी। आई मीन मुझे पता है बहुत सारे लोग है यू नो जो राह में है यू नो टू बिकम एन एक्टर, जिन जो चाहते है एज अ ड्रीम डेब्यू मिले, लेकिन गाइज वो कहते हैं ना कि हर किसी की किस्मत में ईशान खट्टर और जानवी कपूर बनना नहीं लिखा होता, लेकिन जब आपकी किस्मत में होता है ईशान खट्टर जानवी कपूर बनना, तो आप अगर स्क्रीन पे उसे परफॉर्म करो तब लोग आप पे उंगलियां नहीं उठा सकते। एंड मेरे हिसाब से ईशान खट्टर इज गोइंग टू बी अ टेरिफिक स्टार इन द फ्यूचर। ही हैज ग्रेट पोटेंशियल, सो है जानवी कपूर। और इसी की वजह से जो पहले दिन का कलेक्शन आया गाइस वो है 8 करोड़ 71 लाख रुपए। समझता है 8.71 करोड़ रुपए, ऐसे न्यू कमर की फिल्म है ना पूरे लाइफ टाइम में कमाती, यहां इस फिल्म ने पहले दिन में कमाया है। जस्ट बिकॉज ऑफ द डेडिकेशन ऑफ दिस टू न्यू कमर्स, द ब्रिलियंट ऑफ शशांक खेतान, जिन्होंने इस फिल्म को इस तरह से अडेप्ट किया है साइराट से, एंड द मास्टर म्यूजिक ऑफ अजय अतुल एंड द मेगा मार्केटिंग माइंड ऑफ द यू नो मार्केटिंग विज बोल सकता हूं करण जोहर, धर्मा प्रोडक्शन। दिस फिल्म इज अ पैकेज, अ होलसम एंटरटेनमेंट। बहुत लोग हैं इंडिया में, मैंने आपको कल ही बताया था, यू नो इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिसने साइराट नहीं देखी है उन सारे लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है। इसके वजह से जो तो कलेक्शन रहा है वो है 8 करोड़ 71 लाख रुपीज। मुझे लगता है इसका वीकेंड आराम से 20 करोड़ से लेके 23 करोड़ के बीच में होगा। दिस फिल्म इज ऑलरेडी अ ब्लॉकबस्टर ऑन दिस फर्स्ट डे। सो गाइज, फर्स्ट डे 8 करोड़ 71 लाख रुपीज। एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने धड़क नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, इट विल विन योर हार्ट्स ओवर। दिस इज मी आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।